साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका शहर शहर खबर खबर में। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारक प्रचार के लिए जुट गए हैं। जहां दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होना है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर, बांदा और चित्रकूट का दौरा करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले सुबह 10:25 पर गोरखपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 11:40 पर कानपुर के कमर्शियल मैदान किदवई नगर में जनसभा करेंगे। इसके बाद जीआईसी की ग्राउंड सभा में जनसभा भी करेंगे। साथ ही दोपहर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में निकाय चुनाव की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो लगातार निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पार्टी प्रचार प्रसार में लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले चरण में जिस तरीके से लगातार जनसभाएं की, वहीं उसी तरीके से बिल्कुल तैयारी उनकी दूसरे चरण मतदान के लिए दिख रही है। आज वो कानपुर, बांदा, चित्रकूट में हुंकार भरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो लगातार योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। वहीं 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है, 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 4 मई को था, जो कि संपन्न हो चुका है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाओं में लगे हुए हैं, पार्टी के स्टार प्रचारकों में से माना गया है, जिसमें वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्यारह मई को दूसरे चरण का मतदान होना है, 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण मतदान के लिए पार्टी से लेकर पूरे प्रत्याशी अपने जनता के बीच जाकर समर्थन ले रहे हैं। वहीं आज प्रचार प्रसार थम जाएगा 5 बजे के बाद। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो आज कानपुर, बांदा, चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, आज वो कानपुर, बांदा, गोरखपुर में भी जनसभाएं करेंगे नगर निकाय के दूसरे चरण मतदान के लिए। देखिए रंजनी, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है 11 मई को, उसके लिए आज कानपुर, बांदा और चित्रकूट में जनसभाएं कर रहे हैं। सबसे पहले वो कानपुर में जनसभा उनकी चल रही, उसके बाद बांदा और समापन जो इसका होगा, निकाय चुनाव का जो समापन होगा, संबोधित करेंगे जो चित्रकूट में होगा। तो आज इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं कानपुर, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को वो लुभाने का काम करेंगे, क्योंकि ये दूसरा चरण है, पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। आज चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो जाएगी, शाम तक भी चुनाव प्रचार कर सकेंगे। यानी आज अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये आखिरी जनसभा होगी, क्योंकि इसके बाद चुनाव होगा, 11 तारीख को मतदान होगा। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम होगा रामायण मेला मैदान में, वहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। नंदिनी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और शीर्ष कार्यकर्ता, उन सभी को आज 38 जिलों में लगाया गया है। यानी 37 जिलों में चुनाव हो चुका है 9 मंडलों में। अब 9 मंडल में चुनाव फिर से हो रहे हैं। दूसरे उपमुख्यमंत्री है और कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, सबको वहां भेजा गया है और पार्टी के जो भी पदाधिकारी है उनको भी भेजा गया है। तो आज ही चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज कानपुर पहुंच चुके हैं, उसके बाद बांदा और चित्रकूट में चुनाव प्रचार का समापन होगा। उधर देखा जाए तो इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, उधर अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और आरोप का दौर देखे जा रही है, एक दूसरे पर खूब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जी रितेश,
देखिए मैं बताऊं नंदिनी आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा, शाम से ही चुनाव प्रचार की प्रक्रिया पर रोक लगेगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता को अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले ही 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त कर दिया जाता है जी। तो इसको लेकर के जो पार्टियां हैं, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी है, जो भी अन्य पार्टियां हैं, वो उनके सभी नेता और पदाधिकारी और जो भी लोग हैं वो जगह जगह जाकर के अपनी जनसभाओं को करेंगे, क्योंकि आज ही पास उनके पास समय है और बहुत कम समय में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के आज सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी वोट बैंक को साधने में पूरी तरीके से क्षेत्र में नजर आ रहे हैं और जगह जगह जनसभाएं भी वो कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो अगर पहले चरण की अगर बात करें तो 37 जिलों में जो मतदान हुआ है, 37 जिलों में से उन्होंने 22 जिलों को अकेले कवर किया था और 22 जिलों में उन्होंने चुनावी जनसभाएं की थी। कल की बात की जाए तो बाराबंकी और अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जा करके जनसभाएं की और जनता को लुभाने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की है और लगातार लगभग उन्होंने 35 से ज्यादा जिलों को कवर किया है। उसके बाद जो जिले बच रहे हैं वो उनके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के सारी बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। चुनाव में अब मतगणना मतदान होगा जो 11 मई को 13 मई को जो रिजल्ट आने वाला है, वो ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी, इनके जितने भी पदाधिकारी हैं और जो शीर्ष नेता है वो ट्रिपल इंजन सरकार की बनाने की पूरी तरीके से कवायद में लगे हुए, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्र में है, जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और मतदाताओं से बात कर रहे हैं और लगातार पार्टी की एजेंडे को बता रहे हैं और चुनाव की मांग मतदान के लिए अपील भी कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कानपुर में 11 मई को होगा। वहीं इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसंपर्क और रोड शो करेंगे। वहीं रोड शो की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानपुर में नगर निकाय चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रही समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकने का फैसला लिया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव कानपुर आकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनता के बीच जाकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करेंगे। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर में भव्य रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। बीजेपी के सेंधमारी में जिस तरीके से लगातार निकाय चुनाव को लेकर पूरी पार्टियां तैयारियां में लगी हुई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर में भव्य रोड शो करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, आज अखिलेश यादव कानपुर में पहुंच रहे हैं, भव्य रोड शो करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपने प्रत्याशियों के वोट के लिए अपील करेंगे। जो आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, हम आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। तो आपको बता दें कि कानपुर में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भव्य रोड शो करने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। वहीं पर आज 9 मई को प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम के बाद, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में पहुंचे हुए हैं, भव्य रोड शो करेंगे, जनता के बीच जाकर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लोगों से अपील करेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक मतदान करें। वहीं एक तरफ बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में पहुंचेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। अपने निकाय चुनाव के दूसरे चरण मतदान के लिए प्रचार प्रसार का दौर जारी है। वहीं आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है, 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसी बीच पार्टियों का जो दौरा है, पार्टियों के जनसभाएं लगातार जारी हैं। वहीं आज अखिलेश यादव भव्य रोड शो करेंगे कानपुर में, लोगों से अपील करेंगे। वहीं एक दूसरी तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कानपुर में पहुंच रहे हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे।
तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आज जो नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने दौरे पे लगी हुई हैं, जनसभाएं कर रही हैं, लोगों के बीच जाकर, और इधर प्रत्याशी भी जनता से समर्थन ले रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे उनका समर्थन मांग रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कानपुर में दौरा करेंगे, लोगों के बीच जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। आज कानपुर में अखिलेश यादव का भव्य रोड शो भी बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल के चुनाव प्रचार के लिए केंद्र सरकार में मंत्री और अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष आदि कई वरिष्ठ भाजपा नेता सुल्तानपुर पहुंचेंगे, जहां भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के बैनर तले पूरे नगर में पदयात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि शहर के दीनदयाल उपाध्याय पार्क सुपर मार्केट में दोपहर पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और सभी नगर के प्रमुख स्थानों पर भ्रमण करते हुए चौक घंटाघर पहुंचेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं। आज बता दें कि कई वरिष्ठ भाजपा नेता सुल्तानपुर पहुंचेंगे। आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है, वहीं सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज सुल्तानपुर में कई वरिष्ठ भाजपा के नेता सुल्तानपुर में पहुंचेंगे, वहां पर भव्य रैली निकाली जाएगी। बता दें कि 9 मई को प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ेंगे। आशुतोष, आज भाजपा के कई वरिष्ठ नेता सुल्तानपुर पहुंचेंगे प्रचार प्रसार के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें सबसे पहले जिस तरह ये दूसरे चरण का यहाँ पे निकाय चुनाव जो समाप्त होने वाला है, उसी को मद्देनजर में देखते हुए भाजपा द्वारा जो है पूरी ताकत झोंक दी गई है। विपक्ष भी जो है ताकत में उतर गए हैं। उसी की लेकर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जिस तरह भाजपा का यहाँ पे सुल्तानपुर में हल्ला बोल देखने को मिला है, उस तरह विपक्ष का भी उतना जो है हल्ला बोल देखने को नहीं मिला है। आज लगभग 12:30 के बीच में एक विशाल पद यात्रा होगा, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए घंटा घर पे चौराहे पे पहुंचेंगे, वहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी के दौरान ये अपने मिशन के साथ साथ जो है ये जनता को अपील करेंगे इस बार जो है ट्रिपल इंजन बनाने की सरकार को जो है लाने की वो करें। उसी के मद्देनजर को देखते हुए 11 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख को मतगणना होगी। उसी के बाद देखा जाएगा कौन होगा नगर पालिका का जो है मेन मुखिया, सरताज कौन पहनेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा इसको लेकर। अब आशुतोष, सुल्तानपुर में किस किस पार्टी के बीच महामुकाबला देखा जा रहा है? ये बिल्कुल बता रहे हैं आपको, अभी तक जो है सपा और भाजपा का जो है टक्कर देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ सूत्रों की माने तो जो है मामला कुछ और निकल के आ रहा है। बात करते चलेगी जिस तरह जो है यहाँ पे कांग्रेस का भी जो है एक जबरदस्त जो प्रचार देखने को मिला है, उसके मुताबिक जो है हमको लगता है सपा जो है कहीं ना कहीं इस पे जो है पीछे हो सकती है, और टक्कर में जो है बात अगर की जाए फिर भाजपा और या कांग्रेस के बीच की हो सकता हो टक्कर बड़ी देखने को मुकाबला देखने को मिल सकता है इसमें। आशुतोष, आज दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये दूसरे चुनाव का जो यहाँ का माहौल देखने मिल रहा है आपको, ये सुल्तानपुर का आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार को लेकर, जो तमाम तरह की पार्टियां जो है अपनी जो है ताकत मजबूती के साथ रोड शो भी कर रहे हैं, पदयात्रा भी कर रहे हैं और जनता के पास जाके अपील भी कर रहे हैं, और अपील के साथ साथ जो है ये पूरी जो है जनता के बीच का कुछ ना कुछ रुझान भी सामने देखने को मिल रहा है। जहाँ हमको काम विकास कार्य देखने को मिलेगा उसी पर ही हम अपना वोट जो है देंगे, उसी को जो है हम अपने नगर पालिका पद पर चेयरमैन को दर्जा पे बैठाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए दूसरे चरण में भी सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर नगरीय निकाय चुनाव में परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जिसको मद्देनजर आज शाम से सभी जिलों में चुनाव प्रचार थम जाएंगे। वहीं चुनाव के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है।
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो चुनाव नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पर यह भी कहा गया कि अव्यवस्था फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, आज नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण मतदान के लिए प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे नगरी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज देर शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि किसी पार्टी के या किसी निर्दल प्रत्याशी के द्वारा अपने चुनाव निशान के साथ कन्वेंसिंग नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ लाउडस्पीकर, जुलूस, अब तमाम चीजों पर रोक लग जाएगी और प्रत्याशी महज 2 लोगों के साथ डोर टू डोर लोगों से जाके बस मिल सकेगा। आपको बता दें कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम चुका है और 11 तारीख को यानी कि 11 मई को सेकेंड फेज का मतदान होगा, जिसमें अगर बात की जाए तो 38 जिलों में मतदान होना है और लगभग 370 नगर निकाय में 6,929 पदों पर चुनाव हो रहा है। आपको बताएं कि इस चुनाव में अगर देखा जाए तो लगभग प्रदेश की आधी आबादी इसमें वोट देगी, क्योंकि पहले फेज में अगर बात करें तो पहले फेज में चुनाव नगरीय निकाय चुनाव में 2.40 करोड़ मतदाताओं का कहीं ना कहीं एक विश्वास से अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो इसमें अब आज जो शेष बचे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ एवं तमाम जगहों पर चुनाव है। विभांशु, आज देखिए प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है और पूरी पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियां हैं, अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंच रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, उनका भव्य रोड शो है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल के तमाम जिम्मेदार और नेतागण पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बताएं कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद उनकी पत्नी डिंपल यादव आज कानपुर में प्रचार प्रसार करते नजर आए हैं। साथ ही आपको बताएं कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आज कानपुर के दौरे पे हैं। कल अगर बात की जाए तो कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बाराबंकी में प्रचार प्रसार किए और देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर गिना जा रहा है और आने वाले 13 तारीख को यानी कि 13 मई को नतीजे आएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि नतीजों में ये साफ हो पाएगा कि आखिर सियासी ऊंट किधर करवट लिया है। जी विभांशु, वहीं देखा जाए तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 75 हमारा है, 25 बचा, 25 में से सबका बंटवारा है, उसमें से भी हमारा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि साफ तौर से सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बीते दिन एक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि 100 में से 75 हमारा है, यानी कि वो अपने आप से वो ट्वीट के माध्यम से ये बात को जता रहे हैं कि 100 वोटर्स में से 75 वोटर्स हमारे हैं और 25 अगर जीत के आते हैं हम उन्हें भी अपने पाले में लाने की तैयारी करेंगे। जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि ये ट्रेलर है और लोकसभा में आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ ट्विटर पर वार देखने को मिल रहा है सभी राजनीतिक दल के रूप में, सभी राजनीतिक दल के जो तमाम ट्विटर आइडिया हैं उस पर साफ तौर से नेताओं पर कटाक्ष। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर काफी राजनीति की जा रही है। कई राज्यों में फिल्म को बैन किया जा रहा है तो कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 12 तारीख को सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने फिल्म को बैन कर दिया है। जो राजनीतिक दल हैं, जिनकी राजनीति कुछ के साथ और कुछ के विकास पर निर्भर रहती है, उन्हें न कश्मीर फाइल्स के नाम से जो फिल्म आई थी वह पसंद आई थी और ना ही द केरल स्टोरी जो
हिंदुस्तान को सच दिखाने का प्रयास हो रहा है। और इस देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस फिल्म को प्रसारित करने पे प्रतिबंध लगाने का काम किया है, लेकिन भाजपा शासित। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, द केरला स्टोरी को लेकर देखिए सियासत इस कदर गर्मा चुकी है कि कहीं कहीं फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है तो कहीं कहीं राज्यों में बैन कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जमकर राजनीति हो रही है देश में। कुछ राज्यों में इसे बैन किया गया है। आपको बता दें कि बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी को बैन करने की बात कही है और बंगाल के अंदर इसे बैन किया गया है। तो वहीं भाजपा शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मध्य प्रदेश तमाम राज्यों में इसे कहीं ना कहीं टैक्स फ्री किया गया है। आज आपको बताया कि सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में केवल स्टोरी टैक्स फ्री रहेगी। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया, ये भी जानकारी दी गई कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर में पहले फेज का मतदान हो जाएगा यानी कि 12 तारीख को पूरी कैबिनेट के साथ वो इस पिक्चर को देखने जाएंगे। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर, इस फिल्म की रिव्यू को लेकर, जहां एक तरफ विपक्षी नेता लगातार इस बात पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, बात करें तो AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फखरुल हसन चाद की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको टैक्स फ्री करना है तो आप दूध दही और रोजमर्रा की चीजों को टैक्स फ्री करें, ना कि पिक्चरों को। अब देखने वाली बात ये होगी कि फिल्म को लेकर जो सियासत तेज हुई है उसका अंत कहां होता है। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। महाठक संजय शेरपुरिया के फर्जीवाड़ों की सूची लंबी होती जा रही है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर आए दिन संजय शेरपुरिया के फर्जीवाड़े खुल रहे हैं। छानबीन में सामने आया है कि महाठक संजय शेरपुरिया ने गुजरात में भी लोगों को ठगा है। आरोपित ने गुजरात में भी नौकरी के नाम पर सैकड़ों युवाओं से लाखों की ठगी की है। बता दें कि संजय शेरपुरिया की रिमांड का आज आखिरी दिन है। आज शाम 4 बजे तक पुलिस शेरपुरिया से पूछताछ करेगी, उसके बाद उसे गोसाईगंज जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आज पुलिस और STF समेत ईडी कई विषयों पर शेरपुरिया से जानकारी लेगी। वहीं विभूतिखंड पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए STF को पत्र लिखा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, आज शाम तक संजय शेरपुरिया से पूछताछ की जाएगी और बताया जा रहा है कि गुजरात में भी उसने फर्जीवाड़े के तरीके से नौकरी के नाम पर फर्जी किया है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से यूपी STF की टीम ने महाठक संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उसके राज खुल आए थे, राज खुलने के साथ साथ जिस तरीके से उसका एक नेटवर्क गुजरात का बताया जा रहा था, तो गुजरात में भी इसके साथ इसको ले जाया गया, वहां पर भी जो जानकारियां हासिल की तो वहां पर यह मालूम हुआ कि इसने दिल्ली ही नहीं गुजरात में भी कई लोगों से लाखों की ठगी की है। जिसके बाद अब बड़ी बात यह है कि अब संजय शेरपुरिया के खिलाफ लगातार शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस मामले में जो ईडी है, ईडी ने भी अपनी पूछताछ शुरू कर दी है, STF भी तो अपनी पूछताछ कर ही रही है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लखनऊ पुलिस ने संजय शेरपुरिया को रिमांड पर लिया था, उस रिमांड का आज आखिरी दिन है, तो उस आखिरी दिन के बाद अब इस मामले की जो भी जांच पड़ताल है उसमें STF करेगी। इसको लेकर के जो है लखनऊ पुलिस ने STF के अधिकारी को एक पत्र लिखा है, उस पत्र को मिलने के बाद कहा जा रहा है कि अब इस मामले में एक बड़ा संज्ञान लिया जाएगा, जिसको लेकर के STF की बड़ी यूनिट जो कई जिलों में रहकर जो है इस मामले की तफ्तीश करेगी और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उनकी भी धरपकड़ तेज करेगी। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें एक बड़ा खुलासा भी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से संजय शेरपुरिया का एक कनेक्शन सफेद पोस्ट और उद्योगपतियों से भी सामने आ रहा था, जिसमें बताया गया था कि 6 करोड़ किसी से लिया गया, किसी से 600 करोड़ दिया गया, किसी से, और जो बेरोजगार युवा थे उनको भी इस ठगी में निशाना बनाया जाता, क्योंकि उनको रोजगार के नाम पर उनसे भी ठगी हो रही थी, उनका भी इस्तेमाल किया जाता। इन सभी नेटवर्कों को लेकर के अब जो जांच है, क्योंकि जांच एक बड़ी जांच है, इसको लेकर के यूपी STF को इसका पत्र लिखा गया है, क्योंकि STF ज्यादातर जो बड़े संगीन मामले होते हैं उनमें अपनी तफ्तीश करती है, क्योंकि अब इस मामले में दखल जो है ईडी भी दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि STF इस मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए जो उद्योगपति और सफेद पोश नेताओं के नाम जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा सकता है जिस तरह से उसकी फोटो कई उद्योगपति और नेताओं के साथ पाई गई थी, तो उसमें इसमें जब
पूछताछ में बताया है कि जो भी फोटो पाई गई उनसे इसके घनिष्ठ संबंध थे, इसको लेकर के भी एक बड़ा खुलासा आ करने की उम्मीद है। फिलहाल एसटीएफ जिस तरीके से अपनी कस्टडी में लेकर इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो दावा है कि कहीं ना कहीं इसमें कई बड़े सफेदपोश नेता भी। संजय शेरपुरिया के अलावा और कौन कौन से लोग बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उद्योगपतियों के नाम सामने आ रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से लोग थे हैं जो इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे, और किस तरीके से वो अपने फर्जीवाड़े में उन लोगों को शामिल किया, और कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है, क्या कुछ इस तरह की जानकारी सामने आई है? देखिए नंदनी जी, सफेदपोश जो नेता है उनके अभी नाम तो नहीं खोले गए, लेकिन एक जो उद्योगपति था उसका नाम खोला गया था, जिसमें बताया गया था कि उससे संजय शेरपुरिया ने जो है 600 करोड़ रुपए लिए थे, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि उसके एक केस था उसको खत्म कराने के लिए, फिर बताया गया कि उसने अपने एनजीओ में उसका पैसा इस्तेमाल किया था बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर। फिलहाल इस तरीके का जो नाम सामने आया था, लेकिन जो अभी सफेदपोश नेता है या फिर जो और उद्योगपति हैं उनके अभी नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि जो भी सफेदपोश नेता है उनका भी पर्दाफाश होगा, और इसी चीज को लेकर के अब इस मामले में एसटीएफ ने भी अपनी दखलअंदाजी शुरू की, और लखनऊ पुलिस ने इस मामले को लेकर के एसटीएफ के अधिकारी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि इस मामले की आगे की जांच एसटीएफ करे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब जो सफेदपोश नेता है वो भी कहीं ना कहीं अब बेनकाब होने वाले हैं। फिलहाल जो ठगी की बात की जा रही है, इसके द्वारा जो है करोड़ों की ठगी की गई है, जिसमें बेरोजगार युवाओं के नाम पर ठगी की गई, क्योंकि इसके नाम पे जो कंपनियां हैं, जो कंपनियों के डायरेक्टर है उसमें डायरेक्टर खुद और उसकी पत्नी भी शामिल है, क्योंकि दोनों लोग डायरेक्टर होने के साथ साथ जिस तरीके से ठगी कर रहे हैं, तो साफ है कि इसमें एक बड़ा खुलासा भी होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं एसटीएफ, अब ये सवाल बनता है कि एसटीएफ जो सफेदपोश नेता या उद्योगपति है, क्या उनका नाम खोलेगी या फिर उनका भी पर्दाफाश करेगी? तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। हिंदू नववर्ष के तीसरे महीने की शुरुआत हो चुकी है, ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ में बजरंग बली के वृद्ध स्वरूप की पूजा का खास महत्व है। ज्येष्ठ के हर मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहा जाता है। बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल को पवन पुत्र हनुमान जी का विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना होती है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की पहली बार श्री राम से भेंट हुई थी, जिसके चलते इस माह का बड़ा महत्व माना जाता है। वहीं इस मौके पर जगह जगह पर भंडारे का आयोजन होता है और हनुमान जी की पूजा की जाती है। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।